हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य यूकेपीएससी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आरटीआई का इस्तेमाल हम यूकेपीएससी और अदर स्टेट पीएससी में कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका हमें उत्तर जानना पड़ता है, तो उस उत्तर को हम आरटीआई के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे कि हमें 2005 में सूचना का अधिकार, ठीक है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का अधिकार मिल चुका है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करें आयोग में, उसके लिए बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं, इवन जब मुझे नहीं पता था तो मुझे बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ा कि एग्जैक्टली कैसे फॉर्मेट होगा, कैसे लिखा जाएगा, कैसे भेजना है, ये सारी कुछ क्वेरीज होती हैं। तो जब मैंने अपनी पहली आरटीआई यूज़ करी तो उसके बाद से मुझे आइडिया आया कि हाँ, इस तरह से करना है। तो मैं वही आप लोगों से शेयर करूँगा कि कैसे लिखना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन को आयोग से कैसे मांगनी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप लोगों को नहीं पता होता एग्जैक्टली कि कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, और क्योंकि सूचनाएं तो सभी को चाहिए होती है जो भी आयोग की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे चरणों में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैसे कैसे ये हम इन्फॉर्मेशन भेजेंगे आयोग को, आरटीआई कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो लेट्स सबसे पहले जो हम एक लेटर लेंगे, लेटर लिखेंगे तो लेटर में कैसे लिखना है आपको, उसका फॉर्मेट कैसा होगा, तो आप हिंदी में लिखना ही पसंद करेंगे और इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश के लिए भी ऐसे ही लिखेंगे। हिंदी में आपको लिखना है तो बेसिकली आपको सबसे पहले जो होता है सेवा में, लोक सूचना अधिकारी, लोक सेवा आयोग, गुरुकुल कांगड़ी सबसे हेडर में आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट यानी विषय में आप लिखेंगे सूचना का अधिकार 2005 के संदर्भ में, ठीक है। और उसके बाद जो एक बॉडी होती है, बॉडी रिस्पेक्टेड सर या महोदय हिंदी में लिख रहे हैं, तो मेरा नाम ये है और मेरा अनुक्रमांक ये है। ये देखिए, आप सिर्फ अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपका कोई अनुक्रमांक नहीं है तो इसका यहाँ पे लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है और आप उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन चाहते हैं, कुछ सूचनाएं चाहते हैं, तो आप फिर अनुक्रमांक लिख सकते हैं, साथ में उस परीक्षा का भी विवरण दे सकते हैं कि मेरा अनुक्रम ये है, मैंने ये परीक्षा दी है, मुझे इस परीक्षा के रिगार्डिंग निम्न बिंदुओं पे सूचना की अपेक्षा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 जितने भी आपको, जितनी भी बिंदुओं पे आपको सूचना चाहिए है चाहिए वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिलेगी, और जितने भी आपको पॉइंट्स लिखने हैं 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं, और राइट साइड में आप अपना नाम लिखेंगे, और इधर लेफ्ट साइड में अपना पूरा पता जहाँ से आप बिलोंग करते हैं और जहाँ पे आप चाहते हैं कि आयोग आपको रिप्लाई करे, ठीक है। तो उसको यहाँ पे साफ साफ तरीके से लिखें। जो प्रॉब्लम आती है वो है एनवलप में क्या लिखना है। एनवलप में देखिए, आपको लेटर को एनवलप के अंदर पोस्ट करना होगा, रखना होगा। उसके लिए एनवलप के फ्रंट साइड पे आप लिखिए आयोग का पता, आयोग के यानी कि आरटीआई डिपार्टमेंट, लोक सूचना अधिकारी जो होगा आयोग में उसके लिए आप अप्लाई करेंगे, उसके लिए आप सूचना भेजेंगे, ठीक है, आरटीआई उसके लिए लगेगी। तो सेवा में लोक सूचना अधिकारी, लोक सेवा आयोग, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार, और पिन लिखना जरूर, पिन को जरूर लिखें यहाँ पे, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा कहीं से भी। और बैक साइड पे अपना पूरा पूरा पता लिखें ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना हो आपको रिप्लाई करने में। और जब फ्रंट साइड पे आप लिखोगे तो फ्रंट साइड पे ऊपर से आरटीआई एप्लीकेशन भी लिख लें, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको जो वो है ये पोस्टल ऑर्डर, जनरली पोस्टल ऑर्डर होता क्या है, ये बहुत सारी क्वेरीज होती है एग्जैक्टली पहले, क्योंकि बिना अगर कोई आरटीआई का इस्तेमाल नहीं करता है तो फिर उसको नहीं पता होता कि पोस्टल ऑर्डर है क्या। तो ये रहा पोस्टल ऑर्डर यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इस तरह का पोस्टल ऑर्डर लेना है। ये कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले जो पोस्ट ऑफिस का जो हेड ब्रांच होती है, लाइक अगर देहरादून में बोले तो जीपीओ जो क्लॉक टावर पे है वो हेड ब्रांच है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कब तक, 4 बजे से पहले पहले आपको ये मिल जाता है। तो 10 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर खरीदना है और उस पोस्टल ऑर्डर को फिल करके आपको लेटर के अंदर डालना है और फिर स्पीड पोस्ट कर देना है। स्पीड पोस्ट या अदर जो भी मेथड आपको पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट करेंगे तो जल्दी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसमें जो जो पोस्टल ऑर्डर में लिखना क्या, देखिए ये लेफ्ट वाला जो है, लेफ्ट वाला ये आप इसको अपने साथ रखेंगे यहाँ से कट करके, और राइट वाले को अपने पोस्ट अपने लेटर के अंदर रख देंगे और इसको भी पोस्ट करेंगे एनवेलप के साथ।
तो यहाँ पे लिखना क्या है, बेसिकली ये वाला तो आपके पास रहेगा, तो इसको लिख कर कुछ भी करके इसको बाहर रख लीजिए अपने पास, इसमें जो भी डिटेल है फिल कीजिए। और ये जो है यहाँ पे क्रॉस करना ना भूलिएगा, इसको क्रॉस करना होता है, डबल क्रॉस कर लीजिएगा जैसे चेक पे भी करते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे जो लिखेंगे राइट साइड पे, आप अपना नाम और एड्रेस लिखें, ये एट द पोस्ट ऑफिस, एट जिस पोस्ट ऑफिस से आपने खरीदा है, ठीक है, वहाँ का यहाँ पे नेम मेंशन करें। और आप जिस भी डिपार्टमेंट को आरटीआई भेजना चाह रहे हैं, ये उसका नाम लिख दीजिए बस यहाँ पे, ठीक है। और बाकी तो कुछ भी नहीं है, और बाकी इसको इसको आप सेंड कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपने ब्लैंक भी भेज दोगे ना, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी मिलेगी। 2017 का एक केस है जहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि भाई आरटीआई, अगर ये पोस्टल ऑर्डर जो है, अगर आपका ब्लैंक भी जाता है, तो फिर भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और कमीशन या ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्मेशन देनी मैंडेटरी होगी। तो इसको अगर फिल भी नहीं करोगे तो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट यहाँ पे अगर फिल कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया ही रहेगा, ठीक है। तो आप इसको फिल करके, आप इसको ये जो राइट वाला पोर्शन है इसको एनवलप के अंदर डाल करके लेफ्ट वाला अपने पास रखेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और फिर इसको सारी इन्फॉर्मेशन देख करके ये क्रॉस करके और इसको भेज दीजिएगा एनवलप के अंदर डाल करके स्पीड पोस्ट। तो ये रही पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कैसे आरटीआई को भेजना है, और आई होप इट विल हेल्प। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दिस इज गोना बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, थैंक यू।